अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर स्टैट्स पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। आपको पता है क्लास की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सबसे पहले तो ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। हम लोग फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से इसको पढ़ के आए हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज के आने के चांस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के आने के चांस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, कल बारिश होगी या नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी में हम किसी भी चीज के आने के चांस को, यानी कि हम उसके बारे में श्योर नहीं होते। हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको मजीद अब डिस्कस नहीं करना चाहती। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लोग ऐसी चीज जिसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। अब इसमें हमारे पास है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक डाई में जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम लोग उसका जब हम एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सब 1 2 3 4 5 6, अब उसमें डाई में हमारे पास यही आउटकम्स होती है ना, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। हर एक के आने का चांस क्या होता है, 1/6। अगर मैं कहूँ 1 कितनी दफा आ सकता है तो क्या होगा, 1/6, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अब बेटा इसकी पूरी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमारे पास एक डाई की बात कर रही हूँ तो उसमें है 1 2 3 4 5 6। अब x हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और इसमें हर एक के आने की चांस क्या होगा। मैं अगर ये कहूँ कि 1 कितनी दफा आ सकता है, तो 1 हमारे पास क्या है, 1/6 1/6 1/6। इस तरह हमारे पास सबकी प्रोबेबिलिटी निकल आती है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है ना। एक प्रोबेबिलिटी का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग बहुत डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने आगे इसकी टाइप्स की बात करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास इजीली काउंटेबल होता है, जो हमारे पास इजीली, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, जिसको हम आसानी से, इसके बेस्ट एग्जांपल ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ किचन, ये हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिसको हम गिन सकते हैं। आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स आप इजीली काउंटेबल है। कभी भी मैं ये नहीं, अगर मैं ये कहूँ तो मेरे फर्स्ट ईयर की क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, मेरे सेकेंड ईयर की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मेरे फर्स्ट ईयर की क्लास में 29.5 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 0.5। इसमें पॉइंट में चीजें नहीं आती, इसमें टोटली डिजिट्स में चीजें आती हैं। तो हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो इजीली काउंटेबल हो, पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आती हैं। ऐसी वैल्यूज जो इजीली काउंटेबल हो वो किसमें आती हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। अब डिस्क्रीट में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं वो होती है बाइनोमियल आती है, पॉइजन आती है, हाइपरजियोमेट्रिक आती है। बाइनोमियल को और हाइपरजियोमेट्रिक को हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का यहाँ से 8 चैप्टर है और 9 चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बाइनोमियल को भी और हाइपरजियोमेट्रिक को। पॉइजन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, वो हमने डिस्कस करनी है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट टाइप थी वो थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कि हमारे पास है पॉइजन है, बाइनोमियल है।
रेट है, टेम्परेचर है, यानी कि इसमें पॉइंट में वैल्यूज आ सकते हैं कि एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं होते। तो जो कॉन्टिन्यूस है ना, इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो होती है नॉर्मल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन पॉइंट है ना वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस फॉर्मूले का नाम यही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका फॉर्मूला बेटा एज इट इज आपने याद करना है। ये फॉर्मूला है 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस न्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर। ये ई को हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है। ये रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कैसे होती है, कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताया, इसमें हम पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो वैल्यूज ले लेती हूँ 1 से लेकर 2 तक, अगर मैं 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज ले लेती हूँ, इसके दरमियान अनलिमिटेड पॉइंट्स में वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.01, 1.02, अब इनके दरमियान में 1.001, 1.0001, इनके दरमियान में, यानी कि हमारे पास इंफिनिटी डिजिट्स पॉइंट्स में आ जाते हैं जो कि अनकाउंटेबल है, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल। इसलिए हमारे पास इसमें 1 और 2 के दरमियान बेटा इंफिनिटी ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हम वैल्यू लेंगे ना उसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के दरमियान ही होगी। अब हमारे पास इसमें सिग्मा क्या है, ये म्यू क्या है, एक्स क्या है, ये सारी पाई क्या है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास बेसिकली म्यू मीन है, सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि जब तक हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू का पता नहीं होगा हम इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर सकते। म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर्स हैं और हमारे पास हमेशा म्यू और सिग्मा को हमने पॉजिटिव लेना है, हमने इसको नेगेटिव नहीं लेना। क्यों, अब यहाँ से रिजल्ट की बात है, यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर हमारे को क्या कर देता है, पॉजिटिव। अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। पाई की वैल्यू आपको बेटा पता क्या होती है, 3.1415925, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और एक्सपोनेंशियल की क्या होती है, 2.71828। ये वैल्यूज एज इट इज ही है, ये वैल्यूज एज इट इज ही इसमें पुट होंगी और ये हमेशा यही वैल्यूज हैं, इनको आपने याद करना है। और x जो होता है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो हमारे पास आंसर जो होता है वो डिफरेंट आता जाएगा।